हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। हम सर्कुलेशन पढ़ रहे थे हार्डमेनिया का, और हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, लाइक हार्ट के बारे में हमने पढ़ा था, हार्ट के बारे में, और उसके बाद हमने पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट जो है वो इनक्लोज्ड होकर रहता है। पेरिकार्डियम के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था। उसके आगे हमने क्या देखा, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में। तो ब्लड का जो भी इसमें कंपोनेंट्स थे उसके बारे में हमने देख लिया था। अब जो है हम सर्कुलेशन मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे, जो सर्कुलर मैकेनिज्म है हार्डमेनिया का वो कैसे वर्क करता है। तो एक तो चीज़ आप ध्यान रखो कि हार्डमेनिया का सर्कुलेशन जो है उसमें एक डिस्टिंक्ट फीचर पाया जाता है कि जो बीटिंग है हार्ट की, जो एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें ब्लड जो जाता है एक बार, उसके बाद दूसरी बार आता है, तो ये दो चीज़ें जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। मतलब एक बार ब्लड अगर जाएगा, एक हार्ट बीट में ब्लड अगर इधर जा रहा है तो दूसरे हार्ट बीट में ब्लड इधर आएगा। इसको समझो आप। तो ये जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, एक बार इधर जा रहा है या अपोजिट मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन पे ब्लड इधर जा रहा है रिलैक्स हो रहा है, दूसरे कॉन्ट्रैक्शन पे ब्लड इधर आ रहा है रिलैक्स हो रहा है, तो ये जो है अपोजिट टाइप का जो सर्कुलेशन हो रहा है, दो बीट्स में अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलेशन हो रहा है, वो डिस्टिंक्ट फीचर है एक तरह से हार्डमेनिया का। और किसी भी स्पीशीज़ में ऐसा जो सर्कुलेशन है वो नहीं पाया जाता है। ओके, सो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सर्कुलेशन जो है वो दो अलग अलग, जब दो बीट आएंगे एक पॉज के बाद, एक बीट फिर एक पॉज दूसरा बीट, तो एक बीट में एक डायरेक्शन में ब्लड जाएगा, दूसरे बीट में दूसरे डायरेक्शन में ब्लड आएगा। ओके, आगे अपन देखते हैं, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आगे जाएगा। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ब्लड जो है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मसल ही है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड एक तरफ से आगे बढ़ा। अब आप इसको ऐसे समझो कि दो डायरेक्शन है, आपने एक पाइप है, एक पाइप में पानी है, हाँ, तो एक पाइप में पानी है और दोनों साइड से अगर आप ऐसा करो कि अगर इतना बड़ा पाइप है, अगर 5 सेंटीमीटर का एक है, अगर 15 या 20 सेंटीमीटर का एक पाइप है, वो 15 या 20 सेंटीमीटर के पाइप को आप अगर एक बार लेफ्ट साइड से दबाओगे तो पानी राइट साइड से निकलेगा, और अगर राइट साइड से दबाओगे तो पानी लेफ्ट साइड से निकलेगा, ऐसा होता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी भी ट्यूब में, किसी भी मसल में, या पाइप को समझो एक मसल की तरह, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस लिए होता है, कि अंदर जो फ्लो हो रहा है, जिस लिक्विड का, जिस भी चीज़ का फ्लो हो रहा है, वो आगे की तरफ मूव करे। तो जिधर कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके आगे वो मूव करेगा। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ओके, किसकी होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हार्ट की, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट ही है यहाँ पे जो पंप करता है ना, तो हार्ट की मूवमेंट होगी। उसके आगे अपन देखते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम में होता है, तो ये सारा काम जो है मूवमेंट और ये सारा काम जो है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का, ये सब पेरिकार्डियम के अंदर ही होगा। उसके आगे अपन देखते हैं पेरिकार्डियम पास इन द बीट्स, पास इन वेव्स, पेरिकार्डियम पास इन वेव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द हार्ट टू द अदर, फ्रॉम वन एंड ऑफ द हार्ट टू अदर। पेरिकार्डियम में एक एंड से हार्ट के दूसरे एंड तक यहाँ पे जो बीटिंग होगी, अब हार्ट का तो हमने शेप यहाँ पे इलोंगेटेड देखा था ना, तो वहाँ पे बीटिंग तो उसी हिसाब से होगी, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो बीटिंग होगी उसी हिसाब को हम यहाँ पे पेरिकार्डियल मूवमेंट में देखते हैं, कि पेरिकार्डियम में वेव्स जो है वो पास करते हैं, हार्ट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ओके, अदर फॉर सेवरल बीट्स,
आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अब ये जो मूवमेंट होती है या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसके बाद बीच में एक पॉज आता है, पॉज बिटवीन, कहाँ पे आता है पॉज, दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में पॉज आता है, कॉन्ट्रैक्शन के बीच में पॉज आता है। क्यों? एक बार हार्ट बीट हुआ, ब्लड फ्लो कर गया, दूसरी बार बीच में एक पॉज आएगा, एक बार स्टॉप होगा, फिर दूसरी बार हार्ट बीट करेगा, ब्लड इस तरफ फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होगा। उसके आगे अपन देखते हैं फ्लो ऑफ ब्लड इज अपोजिट डायरेक्शन या अल्टरनेटिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस, अल्टरनेटिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। जो ब्लड का फ्लो होगा वो अल्टरनेटिव होगा, मतलब एक, मतलब अल्टरनेटिव कहने का मतलब एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में, फिर इसमें, फिर इसमें, ये होता है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब एक राइट की तरफ जा रहा है तो एक लेफ्ट की तरफ आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे के पॉइंट देखते हैं। अब ये जो प्रॉपर फंक्शन है ये वाला बाई डायरेक्शनल ब्लड का जो मूवमेंट है या फिर अपोजिट डायरेक्शन ब्लड का जो मूवमेंट है वो स्पेशली और किसी एनिमल किंगडम में नहीं देखा गया है, का ब्लड का फ्लो की इस तरफ से देखा जाए तो ये जो एक डिस्टिंक्स कैरेक्टर हुआ हर्डमेनिया का, तो और किसी भी कहीं में देखा गया नहीं है कि ऐसा कोई अपोजिट डायरेक्शन का ब्लड का फ्लो हो। ओके, उसके आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये तो समझ में आ गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं, कैसे होता है, ये समझ में आया। उसके आगे पेरिकार्डियम जो है वो वेव पास करता है हार्ट के अंदर, क्यों? क्योंकि हार्ट पेरिकार्डियम में ही मौजूद है। उसके बाद हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसके बीच में, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तो दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक पॉज आता है, और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड का फ्लो एक बार जिस डायरेक्शन में होगा उसके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, समझ में आया ये चीज़। आगे हम देखते हैं, अब दो डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जब ब्लड जा रहा है तो वो दो डायरेक्शन कौन से होंगे? एक होगा डॉर्सल से वेंट्रल पार्ट में जाना, एक डायरेक्शन जो होगा वो होगा आपका डॉर्सल से वेंट्रल पार्ट की तरफ या वेंट्रल रीजन की तरफ ब्लड का फ्लो होना, और दूसरा होगा इसका ठीक अपोजिट, एक बार डॉर्सल से वेंट्रल जाएगा उसके बाद वेंट्रल से डॉर्सल आएगा, मतलब एक टाइम फ्लो डॉर्सो वेंट्रल ही होगा और दूसरी टाइम फ्लो वेंट्रो डॉर्सल ही होगा। ओके, एक टाइम डॉर्सो वेंट्रली, एक टाइम वेंट्रो डॉर्सली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हार्ट बीट होता है डॉर्सो वेंट्रली तब जो ब्लड है वो वेंट्रल ऑरोटा में जाता है, जबकि वेंट्रल ऑरोटा से वो ब्लड कहाँ जाएगा? टेस्ट में जाएगा। वेंट्रल ऑरोटा कहाँ खुलेगा? टेस्ट में। ओके, बाय डॉर्सो वेंट्रली कॉन्ट्रैक्शन, बाय डॉर्सो वेंट्रली फ्लो द ब्लड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लो से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? इज ड्रिवन इनटू
डॉर्सो वेंट्रली मतलब वेंट्रल पोर्शन पर जाएगा, तो वेंट्रल पोर्शन पर क्या है, वेंट्रल एरेटा प्रेजेंट होगा इनटू वेंट्रल एरेटा। तो डॉर्सो वेंट्री फ्लो में जो ब्लड है वेंट्रल एरेटा में जाएगा, वहां से फ्रॉम वेयर इट गोज टू, वहां से कहां जाएगा, फ्रॉम वेयर इट गोज टू द टेस्ट, फ्रॉम वेयर इट गोज टू द टेस्ट। डॉर्सो वेंट्रली फ्लो जब होगा ब्लड का तब वो वेंट्रल एरोटा में जाएगा, और वेंट्रल एरोटा से ये कहां जाएगा, टेस्ट में जाएगा एंड टू द फेरिंग्स। टेस्ट के साथ साथ कहां जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा थ्रू द ट्रांसवर्स वेसल्स, टू द फेरिंग्स थ्रू द थ्रू ट्रांसवर्स वेसल। सो सबसे पहले डॉर्सो वेंट्रली फ्लो होगा, डॉर्सल से वेंट्रल भाग में फ्लो होगा ब्लड का, जो कि उस ब्लड को वेंट्रल एओर्टा में लेके जाएगा। वेंट्रल एओर्टा से ये जो ब्लड है वो पास आउट होगा टेस्ट में और फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से तक ये जो ब्लड वेंट्रल एओर्टा से फेरिंग्स तक इस ब्लड को कौन लेके जाएगा, ट्रांसवर्स वेसल। तो वेंट्रल एओर्टा से कौन निकलेगा, ट्रांसवर्स वेसल, जो कि ब्लड को टेस्ट और फेरिंग्स में पहुंचाएगा। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़ कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लो जब ब्लड का होगा तो सबसे पहले वेंट्रल एरोटा जाएगा, वेंट्रल एरोटा से ट्रांसवर्स वेसल इस ब्लड को लेके सप्लाई कहाँ करेगा, टेस्ट में और फेरिंग्स में। उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहला तो समझ में आ गया कि ब्लड ट्रांसवर्स वेसल से कहाँ जा रहा है। अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड भी तो होना ज़रूरी है, ये ऑक्सीजनेशन इसका कहाँ होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ होगा, ब्लड जो है वो फेरिंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है। ओके, इसके बाद अपन जो देखें नेक्स्ट पॉइंट, चलो इसको हटाओ, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन फेरिंग्स। ब्लड कहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा, फेरिंग्स में। अभी ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है मतलब इम्प्योर है, फेरिंग्स में जाने के बाद ये क्या होगा, ट्रांसवर्स वेसल में जो ब्लड है वो इम्प्योर है। याद रखो वेंट्रल एओर्टा ट्रांसवर्स वेसल में इम्प्योर ब्लड जा रहा है, अब वो फेरिंग्स में पहुंचा फॉर टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने के लिए वो फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स में जब ब्लड आया तो फेरिंग्स के बाद वो क्या जाएगा, फेरिंग्स के बाद जो है वो डॉर्सल एओर्टा की तरफ जाएगा। ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन फेरिंग्स फ्रॉम वेयर इट गोज टू, From where it goes to dorsal aorta, वहाँ से ब्लड कहाँ गया, डॉर्सल एओर्टा में, फेरिंग्स में। यहाँ पे ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये जो ब्लड था यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड था, यहाँ पे जो ब्लड आया ये ऑक्सीजनेटेड मतलब अब हो चुका है, मतलब डॉर्सल एओर्टा में जो ब्लड गया वहाँ पे क्या गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डॉर्सल एओर्टा में क्या गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ओके, सो डॉर्सल एओर्टा में पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद डॉर्सल एओर्टा से कहां पे ये एंटर करेगा, डॉर्सल एओर्टा से ये एंटर करेगा ब्रांचियो विसरल वेसल्स में, ब्रांचियो विसरल वेसल्स में। डॉर्सल एओर्टा तक हो गया, उसके बाद हम देखते हैं डॉर्सल एओर्टा के बाद, इसको मिटाते हैं, डॉर्सल एओर्टा के बाद ये एंटर करेगा, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन फेरिंग्स फ्रॉम वेयर इट गोज टू डॉर्सल एओर्टा, वेयर इट एंटर्स, विच एंटर्स इनटू, कहां पे एंटर हो रहा है, ब्रांचियो विसरल वेसल में, ब्रांचियो विसरल वेसल।
ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होगा फेरिंग्स में, वहाँ से डोर्सल एरोटा में जाएगा, जो कि कहाँ खुलता है, ब्रांचियो विसरल वेसल में। वह डोर्सल एरोटा कहाँ जाके मिलता है या कहाँ एंटर होता है, ब्रांचियो विसरल वेसल में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कितने वेसल देख लिए, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेसल था जो कि वेंट्रल एरोटा जो है ट्रांसवर्स वेसल में खुल रहा था, इनटू वेंट्रल एरोटा फ्रॉम इट गोज टू द टेस्ट एंड द फेरिंग्स। हाँ, ट्रांसवर्स वेसल से टेस्ट और फेरिंग्स में जा रहा था, और यहाँ पे नेक्स्ट है ब्रांचियो विसरल वेसल जहाँ पे डोर्सल एरोटा खुल रहा है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया। उसके आगे अपन देखते हैं यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ब्रांचियो विसरल वेसल में, अब ये होगा डिस्ट्रीब्यूट। कहाँ? पूरे बॉडी में होगा ये डिस्ट्रीब्यूट। तो पूरे में बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए और भी यहाँ पे वेसल्स की ज़रूरत है। अब हम इसको आगे देखते हैं, तो ब्रांचियो विसरल वेसल से अब ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब यहाँ से ब्रांचियो विसरल वेसल से ब्लड जो है अब पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, क्योंकि ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। उसके बाद अपन देखते हैं, अब इसके बाद की अगर अपन बात करें तो यहाँ से फ्रॉम हियर, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड गोज इनटू लिवर में जाएगा, गोनेड्स में जाएगा, इन जगहों पे जाएगा, लिवर, गोनेड्स, ईसोफेगस, लिवर में जाएगा, गोनेड्स में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ से ब्लड गोनेड्स, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, इन सभी जगह पे जाएगा। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं, अब इन सारे ऑर्गन्स और टेस्ट में भी ब्लड गया था, और ये सारे ऑर्गन, इन सब से ब्लड वापस कलेक्ट भी तो करना है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद वापस डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना, ऑक्सीजन तो इन सब ने ले लिया अपने अपने फंक्शन के लिए, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, यहाँ पे अगर खाना पचाना है, ऑक्सीजन, एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में, तो उन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कलेक्ट करेगा यहाँ पे, द ब्लड फ्रॉम दिस ऑर्गन एंड टेस्ट इज कलेक्टेड बाय द ब्लड इज देन, देन का मतलब इसके बाद, कलेक्टेड बाय, अब कौन कलेक्ट करेगा यहाँ पे कौन था, ब्रांचियो विसरल एरोटा था, पर यहाँ पे क्या होगा, कार्डियो विसरल एरोटा। तो यहाँ पे जो ब्लड है वापस से डीऑक्सीजनेटेड हुआ वो ब्लड है, जो कि स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, गोनेड्स, टेस्ट, इन सब से वापस आया है, उसको कौन कलेक्ट करेगा, कार्डियोविसरल एओटा। और कार्डियोविसरल एओटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, रिटर्न टू एंड रिटर्न टू हार्ट, उस ब्लड को कहाँ कर दे देगा, वापस से हार्ट को दे देगा। ओके, अब उसके बाद ये तो था जब ये जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा था, डोर्सोवेंट्रली जा रहा था। मैंने बोला ना पहले दो डायरेक्शन में होता है, तो ये जब डोर्सोवेंट्रली जा रहा था तब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। अब जब ब्लड वेंट्रोडोर्सली जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर क्या होगा, अब देखते हैं, जब वेंट्रोडोर्सल मूवमेंट होगा ब्लड का, उसके बाद क्या होगा, ब्लड का वो कहाँ से पास करेगा, ये हो गया आपका जो कि पूरा मूवमेंट हुआ डोर्सोवेंट्रली, डोर्सल से लेकर
वेंट्रल पार्ट तक जो ब्लड का मूवमेंट हुआ वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखेंगे वेंट्रल पार्ट से जो डॉर्सल पार्ट की तरफ वेंट्रोडॉर्सल मूवमेंट होगा वो किस टाइप का होता है। ओके, अब देखते हैं अपन वेंट्रोडॉर्सल मूवमेंट क्या होता है। वेंट्रोडॉर्सल मूवमेंट या फिर आप बोल लो फ्लो, वो अपन देखते हैं यहाँ से। ये नहीं, ओके, ये नहीं है। यहाँ से हम देखेंगे वेंट्रोडॉर्सल मूवमेंट कैसा होता है। अब वेंट्रोडॉर्सल मूवमेंट में सबसे पहले ब्लड जाता है कार्डियोवेस्कुलर या कार्डियोविसरल एओर्टा में, ओके, कार्डियोविसरल वेसल में, ओके। ब्लड गोज इनटू कार्डियो विसरल वेसल। ब्लड सबसे पहले वेंट्रोडॉर्सली जब मूवमेंट करेगा तो कहाँ जाएगा, कार्डियोविसरल वेसल में, ओके, जो कि सप्लाई करेगा ब्लड कहाँ पे, टेस्ट में, विच सप्लाइज द ब्लड टू टेस्ट। ये टेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगा, कौन, कार्डियोविसरल वेसल इन वेंट्रोडॉर्सली फ्लो, इन वेंट्रोडॉर्सल फ्लो में या वेंट्रोडॉर्सल मूवमेंट में सबसे पहले कार्डियोविसरल वेसल जो है वो टेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं टेस्ट और विसरा को, एंड टेस्ट और विसरा इनको ब्लड ये सप्लाई करेगा, कौन, आपका कार्डियोविसरल वेसल। उसके बाद ये विसरा से जो ब्लड है वो जाता है ब्रांचियोविसरल वेसल्स में, फ्रॉम विसरा दिस ब्लड गोज टू कहाँ पे, ब्रांचियोविसरल वेसल में जाएगा, गोज टू ब्रांचियोविसरल वेसल, ब्रांचियोविसरल वेसल, वेसल आप समझ जाना, ब्रांचियो विसरल वेसल ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ब्रांचियो विसरल वेसल में जाएगा। ये जो विसरा है इससे जो ब्लड है वो ब्रांचियो विसरल वेसल में जाएगा। उसके बाद ब्रांचियो विसरल वेसल, डॉर्सल एओर्टा, ट्रांसवर्स वेसल, वेंट्रल एओर्टा, इन सब जगह ये ब्लड जो है टेस्ट से ही जाएगा। विसरा से ये ब्लड ब्रांचियो विसरल वेसल में जाएगा और टेस्ट से जो ये ब्लड है, फ्रॉम टेस्ट द ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड टू, ब्लड से टेस्ट से ये ब्लड कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, टेस्ट से ये जितने भी ब्लड है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी जो पोर्शंस हैं जैसे कि डॉर्सल एओर्टा, ट्रांसवर्स वेसल, वेंट्रल एओर्टा, इन सब जगह, डॉर्सल और डॉर्सल एओर्टा, ट्रांसवर्स वेसल एंड वेंट्रल एओर्टा, डॉर्सल और वेंट्रल एओर्टा और ट्रांसवर्स वेसल, ओके, यहाँ पे ये ब्लड सप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये तो पोर्शन कंप्लीट हुआ आपका कि ब्लड जो है यहाँ सप्लाई हुआ और इसके बाद फाइनली इन जगहों से गोज टू दी हार्ट, यहाँ से ब्लड वापस चला जाएगा हार्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली हुआ कि ब्लड सबसे पहले वहाँ पे क्या था, ट्रांसवर्स वेसल से या फिर अपन बोल रहे थे जो डॉर्सो वेंट्रल फ्लो था, तो डॉर्सो वेंट्रल फ्लो में वहाँ पे अपन सबसे पहले अपन ने देखा था कि वेंट्रल एओर्टा में ब्लड आ रहा था, है ना, सबसे पहले अपन ने वहाँ पे क्या देखा था कि वेंट्रल एओर्टा में ब्लड आ रहा था, तो वेंट्रल एओर्टा में वहाँ पे सबसे पहले आ रहा था, पर यहाँ पे कहाँ आ रहा है, कार्डियोविसरल वेसल में। उसके बाद कार्डियोविसरल वेसल से जो ब्लड है वो टेस्ट को और विसरा को सप्लाई होगा, जहाँ पे विसरा से जो ब्लड है वो जाएगा ब्रांचियोविसरल वेसल्स में जो कि हार्ट को सप्लाई करेगा, और टेस्ट से जो ब्लड है वो डॉर्सल वेंट्रल एओर्टा में और ट्रांसवर्स वेसल में हो जाएगा, जहाँ से फिर से ब्लड ये हार्ट में पहुँचेगा। तो हार्ट प्रेजेंट है वहाँ पे, दो टाइप का मूवमेंट हो रहा है, एक
डॉर्सो वेंट्रली, एक वेंट्रो डॉर्सली। डॉर्सो वेंट्रली मैकेनिज्म में ब्लड पूरे बॉडी में घूम के वापस स्टमक और हर जगह से लिवर, गोनेट्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, हर जगह O2 का सप्लाई करने के बाद जो ब्लड है वो वापस आ रहा है आपके हार्ट में, और यहाँ भी ब्लड सप्लाई टेस्ट में और विसेरा में करने के बाद ये जो ब्लड है वापस आ रहा है हार्ट में। दोनों पोर्शन से दो अपोजिट डायरेक्शन के जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहे हैं वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके हर्डमेनिया का, और यहाँ पे जो सर्कुलेशन है हर्डमेनिया का वो ओवर होता है। आपको मेरे ख्याल से दोनों जो मूवमेंट है डॉर्सो वेंट्रली और वेंट्रो डॉर्सली आई होप समझ में आ गया होगा। सो आज का टॉपिक हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।